नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वाले में। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर एटॉमिक के कंपनसेशन प्लान के बारे में। तो एटॉमिक का जो कंपनसेशन प्लान है, एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट ओपन हो चुकी है ऑलरेडी। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट पर जाएँ और उसमें कंपनसेशन प्लान सेक्शन में जाकर के एटॉमिक का जो कंपनसेशन प्लान है वो देखिए। आप बेसिक जानकारी सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलेगी, बाइनरी कमीशन क्या है, मास्टरशिप बोनस क्या है, अवार्ड रिवार्ड्स और मास्टरशिप बोनस की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए आप। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको। अगर आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको एटॉमिक का जो बाइनरी प्लान है अभी तक अगर आपको डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ें उससे पहले जो हमारे नए लीडर्स हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप लास्ट तक देखिए। जो पुराने लीडर्स हैं उनमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है एटॉमिक प्लान को लेकर के, एटॉमिक का जो बाइनरी प्लान है उसको लेकर भी कन्फ्यूजन है और काफ़ी लीडर्स प्लान को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आज आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक के कंपनसेशन प्लान के बारे में। और जो नए लीडर्स हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, टीम वारियर एटॉमिक इंडिया की नंबर वन टीम है। ठीक है, इंडिया के अंदर एटॉमिक की नंबर वन टीम है और टीम वारियर का एजुकेशन सिस्टम नंबर वन पे इंडिया में। अगर आप हमारी टीम के साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम का फुल सपोर्ट मिलेगा। हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम है जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग्स देते हैं अपनी एटॉमिक टीम को। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक कंपनसेशन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक कंपनसेशन प्लान का जो फर्स्ट है, एटॉमिक पे आउट स्केल। एटॉमिक का पे आउट स्केल क्या है? ठीक है, एटॉमिक किस प्रकार से पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ग्लोबल पॉइंट वैल्यू से किस प्रकार से आपको कंज्यूमर्स को प्रॉफिट शेयर करती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितना परसेंटेज आपको शेयर करेगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, एटॉमिक के अंदर जो भी पे आउट मिलेगा वो आपको पीवी के ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट वैल्यू लेफ्ट ग्रुप का, राइट ग्रुप का और आपका पर्सनल आईडी पर जो पॉइंट वैल्यू है उसके आधार पर। तो पॉइंट वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक फर्स्ट कंसेप्ट है पॉइंट वैल्यू का। ठीक है, सेकंड है एटॉमिक जनरल कमीशन। एटॉमिक जनरल कमीशन का मतलब आपको जो भी पे आउट मिलेगा वो स्कोर के ऊपर मिलता है, आप किस लेवल पे है, आपकी पर्सनल आईडी पे कितना पीवी है और आपके लेफ्ट एंड राइट में कितना पॉइंट वैल्यू मैच कर रहा है, उसके आधार पे एक स्कोर डिसाइड किया गया है। हर लेवल पे एक फिक्स स्कोर है, फिक्स पॉइंट है, उतने ही पॉइंट आपको मिलेंगे कंपनी की तरफ से। फिर आपको कंपनी के एन फैक्टर से, जो कि हर 24 आवर में कैलकुलेशन होता है, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा एन फैक्टर से, जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी जिस लेवल पे आप हो। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाइनरी प्लान के 8 लेवल्स। पीवी, आपकी पर्सनल आईडी पे जितने पॉइंट वैल्यू हैं उन पीवी के आधार पे आपकी आईडी के ऊपर रिकॉग्निशन निर्धारित किए कंपनी ने। बाइनरी प्लान में 8 लेवल हैं, आपकी पर्सनल आईडी पर जितना पॉइंट वैल्यू है उसके आधार पर कंपनी ने 8 लेवल्स बनाए गए हैं। तो उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे हर लेवल पे आपको कितना स्कोर मिलेगा, कितना पॉइंट मिलेगा, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एटॉमिक में कैरी फॉरवर्ड है या नहीं, फ्लश आउट है या नहीं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करने के बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है एन फैक्टर। ओके, तो एन फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एन फैक्टर के बारे में रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और जितने भी वीडियो हमारे पार्ट बाय पार्ट आ रहे हैं सभी के सभी वीडियो आप कृपया करके ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक का कंपनसेशन प्लान का फर्स्ट जो है एटॉमिक पे आउट स्केल। एटॉमिक कितना पे आउट आपको देती है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, का जो पे आउट स्केल क्या है दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पे आउट स्केल है वो डिपेंड करता है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर रखा है। ठीक है, और जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने जो लॉ पास कर रखा है साउथ कोरिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया, ओके, गवर्नमेंट ऑफ साउथ कोरिया, तो जितनी भी कंपनी साउथ कोरिया में काम करती है वहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉ पास कर रखा है कि जो ग्लोबल प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज आप शेयर कर सकते हो कंज्यूमर्स में एज ए प्रॉफिट के रूप में। ग्लोबल सेल्स का जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कुछ पार्ट आप, एक फिक्स पार्ट आप सेल्स में
जो कंज्यूमर्स उस सेल्स का एक फिक्स पार्ट जो है कि आप कंज्यूमर्स में शेयर कर सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर्स में साउथ कोरिया के अंदर 100% जो इंटरनेशनली प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी का, चाहे एटोमी हो कोई भी कंपनी हो, उस प्रॉफिट का एक फिक्स पार्ट गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि भाई इतना पार्ट, इतना परसेंटेज आप अपने कंज्यूमर्स में शेयर कर सकते हो एज ए प्रॉफिट के रूप में, जो आपको कमीशन मिलेगा उसके रूप में। तो इस फिक्स पार्ट को हम लेते हैं 100% यहाँ से, और इस 100 को डिवाइड करते हैं 70 और 30 में। ओके, ये जो फिक्स पार्ट है आप कंपनसेशन प्लान एटोमी का जो पेज है उसके लास्ट में लिखा हुआ है कितना परसेंटेज, आप देख लेना, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट जो 70 एंड 30% का जो रेशियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, 70% और 30%। तो एटोमी उस प्रॉफिट का 70% कंज्यूमर्स में शेयर करती है, कंज्यूमर्स में शेयर करती है, और 30% R&D के लिए रखती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखती है। तो ये जो 70% है और 30%, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से, वो देखिए आप, ठीक है। इसमें से 44% कंपनी शेयर करती है बाइनरी प्लान में, बाइनरी प्लान में जो 8 लेवल है, ठीक है। और 20% मास्टरशिप बोनस उसमें शेयर करती है, 6% एजुकेशन सेंटर, और बाकी का 30% जो बच गया ये शेयर करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ठीक है। R&D में जो प्रॉफिट है उसमें से 70% और 30% का रेशियो है, 70% को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, 44%, 20% मास्टरशिप बोनस और 6% एजुकेशन सेंटर का। 44% कंपनी आपको बाइनरी प्लान के रूप में शेयर कर रही है, जो बाइनरी प्लान में लेफ्ट एंड राइट की आपकी टीम बनेगी वहाँ पे जो कमीशन मिलेगा आपको उसमें 44% कंपनी आपको शेयर कर रही है। उसके बाद सेकेंड है 20%, 20% कंपनी जो पैसा है वो आपको मास्टरशिप बोनस में शेयर करती है, मास्टरशिप बोनस में, ठीक है। और बाकी का जो 6% है वो कंपनी शेयर करती है एजुकेशन सेंटर में। अगर आप एटोमी की फ्रेंचाइजी लेते हैं उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है एटोमी एजुकेशन सेंटर लेने के लिए, तो कंपनी वो आपको बताएगी लॉन्चिंग से पहले। ओके, और बाकी का जो 30% बच गया वो R&D के लिए यूज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये इसकी पेमेंट स्ट्रक्चर है कि कमीशन आपको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है, 70%, 30%। 70% में 44% तो आपको कंपनी देगी बाइनरी प्लान में, बाइनरी प्लान, ठीक है, और 20% देगी आपको मास्टरशिप में, मास्टरशिप, और 6% कंपनी आपको दे रही है एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन सेंटर का मतलब ये है कि अगर आपने एजुकेशन सेंटर कंपनी का ले लिया है, आपने ओपन कर लिया है, तो 1 महीने में जितने प्रोडक्ट उस एजुकेशन सेंटर से सेल आउट होंगे उसके ऊपर PV का 6% कंपनी आपको देगी यहाँ पे, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर में, बाकी का 30% जो है वो R&D के लिए यूज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट शेयर होता है। तो आशा करता हूँ कि एटोमी का जो पे आउट स्केल है वो आपको अच्छे प्रकार से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एटोमी के जो लेवल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेवल से पहले चीज़ और है पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू, ठीक है, पॉइंट वैल्यू। जिस प्रकार से हम लोग अमेजन, एटोमी क्या है, अमेजन और फ्लिपकार्ट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉप करते हो, ऑनलाइन शॉप, एटोमी बेसिकली क्या है वो देखिए आप इसमें ध्यानपूर्वक से। जिस प्रकार से हम फ्लिपकार्ट और अमेजन और फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा घर पे मिलेगा, होम डिलीवरी होगी, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट घर पे मिल जाएगा, बस इतना ही। यहाँ पे अमेजन और फ्लिपकार्ट कभी भी हमें लाखों और करोड़ों रुपए कमाने का मौका नहीं देती। सेम वे में एटोमी में क्या है, हम एक कंज्यूमर आईडी क्रिएट करते हैं फ्री में, एक कंज्यूमर आईडी क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, ठीक है। और फ्री में एक कंज्यूमर आईडी क्रिएट करते हैं और उस पर हम अपना प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो डेली हाउस होल्ड, जो डेली नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो प्रोडक्ट्स एटोमी की वेबसाइट पे है। एटोमी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जस्ट लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। आप प्रोडक्ट ऑनलाइन बाई कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप एटोमी में ऑनलाइन ऑर्डर करोगे, प्रोडक्ट आपको घर पे मिलेगा। उसके बाद आपको क्या क्या डिफरेंस है, क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एटोमी ऑनलाइन,
शॉपिंग आप करते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा घर पे, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवरी मिलेगी घर पे, जस्ट लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट, तीनों में इतना ही आता है। अब एटोमी में और इससे ज़्यादा क्या है वो देखिए, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन की गारंटी मिलती है दोस्तों यहाँ पे, सेटिस्फैक्शन की गारंटी कंपनी देती है। गारंटी कितना देगी, महीना दो महीना वो कंपनी आपको बताएगी अभी लॉन्च होने से पहले। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो प्रोडक्ट आप रिटर्न कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट रिटर्न का रेट है ना वो 0.14% से 0.19%, ये ग्लोबल रेट बता रहा हूँ, इंटरनेशनली अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट इतना परसेंट इसका रिटर्न रेट है, यानी कि इसके प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तीसरी चीज़ क्या मिलेगी एटोमी के अंदर आपको, यहाँ पे लाखों ने करोड़ों रुपये कमाने की आज़ादी मिलेगी आपको, यहाँ पे हर प्रोडक्ट के बदले में आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा, ये जितना भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदोगे हर प्रोडक्ट के बदले में आपको पीवी मिलेगा पर्सनल आईडी पे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ पे पर्सनल आईडी पे आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा, हर प्रोडक्ट का अलग अलग पॉइंट वैल्यू होता है, और उस पॉइंट वैल्यू के आधार पे अगर आपने लेफ्ट एंड राइट की टीम क्रिएट कर ली, ये लेफ्ट और ये राइट, ये आपकी टीम, ठीक है, आपको यहाँ पे पीवी मिल गया, और आपका राइट ग्रुप का पीवी और लेफ्ट ग्रुप का पीवी, जैसे आपकी टीम बन गई डाउन साइड में, ठीक है, तो लेफ्ट की ग्रुप की राइट ग्रुप का पॉइंट वैल्यू मैच होगा तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा, अनलिमिटेड लेवल तक आप कमीशन उठा सकते हैं, यूएलएम, इट्स अ यूएलएम प्लान, ओके, अनलिमिटेड लेवल तक आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कमा सकते हैं, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन की गारंटी देती है कंपनी आपको, प्रोडक्ट की डिलीवरी देती है, हर प्रोडक्ट के बदले में पॉइंट वैल्यू देती है, जो पर्सनल आईडी पे आपका पॉइंट वैल्यू होता है आपके अकाउंट में वो लॉक हो जाता है, ठीक है, वो फ्लश आउट नहीं होता उस साल के लिए, अगले साल एक प्रोडक्ट बाय करोगे सेम पॉइंट वैल्यू कंटिन्यू रहेगा आपकी पर्सनल आईडी के ऊपर। और अगर आप यहाँ पे टीम करते हैं क्रिएट लेफ्ट एंड राइट में तो थर्ड जनरेशन तक आपको लाखों ने करोड़ों रुपये कमाने का मौका देती है कंपनी, ठीक है, थर्ड जनरेशन तक का फ्यूचर सिक्योर है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड जनरेशन तक का फ्यूचर सिक्योर है यहाँ पे, थर्ड जनरेशन तक आप पेसिव इनकम कमा सकते हो, पेसिव इनकम, ओके, इतना पावरफुल कंसेप्ट है ये, यहाँ पे आप थर्ड जनरेशन तक पेसिव इनकम कमा सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो पॉइंट वैल्यू का यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हर प्रोडक्ट के बदले आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगा, ओके, हर प्रोडक्ट के बदले, और वो पॉइंट वैल्यू आपके पर्सनल आईडी पर लॉक रहता है, वो फ्लश आउट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लेवल्स की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हम डीलरशिप लेवल्स इन बाइनरी प्लान में एटॉमिक कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, 44%, ओके, और इसमें कुछ लेवल्स बना रखे हैं कंपनी ने, तो उन लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो लेवल्स क्या हैं, पहला जो लेवल है वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसमें 10,000 पीवी आपकी आईडी पे होता है, 10,000 पीवी, अगर आपकी पर्सनल आईडी पे आपने प्रोडक्ट बाय किया है और पर्सनल आईडी पे आपका 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी आईडी के नीचे लिखा आएगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप बन चुके हो यहाँ पे। और एटोमी ये बोलती है कि आपकी पर्सनल आईडी पे अगर 10,000 पॉइंट वैल्यू होता है तो आप कंपनी की तरफ से अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि आपकी अर्निंग स्टार्ट तब होगी जब आपकी पर्सनल आईडी पे 10,000 पॉइंट वैल्यू मिनिमम होगा, और कंपनी यहाँ पे आपको स्कोर देगी 5 स्कोर। स्कोर का मतलब ये है कि जब ये 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाता है आपकी आईडी पे, तो कंपनी 5 का स्कोर तब देगी जब आपका एक दिन में मैचिंग हो जाएगा 3 लाख पीवी, 3 लाख, ये 10K पर्सनल आईडी पे, 10,000, 3 लाख पीवी राइट में, 3 लाख पीवी लेफ्ट में मैच होता है, तो कंपनी आपको 5 का स्कोर देती है, और इसके आधार पे आपको पैसा देती है कंपनी। और जो डेली का जो पीवी गिरता है, डेली जो पॉइंट वैल्यू है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए आप